सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे आप लोग पता है, हम लोग हर संडे को ब्लॉग शूट करने के लिए निकलते हैं, तो आज हम लोग फिर से ब्लॉग शूट करने के लिए निकले हैं। एंड आज संडे है, एंड भाई हम लोग बहुत दिन के बाद मरीन ड्राइव तरफ आ रहे हैं। तो देख लो भाई, पानी पूरा भर चुका है यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लोग यहाँ आ रहे हैं, एंड पानी पूरा फुल भर चुका है भाई। तो भाई अभी से बरसात का टाइम आ गया, मानसून का मौसम आ गया। पहले हम लोग जब आए थे तो पानी थोड़ा सा कम था, एंड भाई अपने आगे से कैसे, अभी मत बना, जब बोलेगा तब बनाना। अब हम लोग स्टोरी वीडियो बनाने वाले थे, एंड हम लोग आज गाड़ी का आरएस का टॉप स्पीड का भी वीडियो आएगा, वो आपके वो इस वीडियो से पहले आ जाएगा, या ये वीडियो या इससे पहले वाला वीडियो में आ जाएगा। तो गाइस ये है वो वाला वीडियो, कोई भी है तो आप लोग सेकंड वीडियो जरूर देखना, अब मैं पार्ट टू बोल के डाल दूंगा। तो भाई देख लो क्या मस्त व्यू आ रहा है, यहाँ से सनसेट होने वाला है अभी, एंड हमारे आगे जा रही है प्लेन, एंड हम लोग जा रहे रोड पे भाई साहब। देख रहे हो, जय श्री राम, यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ बैठने का प्लेस बना दिया मस्त टाइप से। हम लोग आते आगे तब से घूम के फिर यहाँ पे हम लोग आई थिंक क्या हम लोग रिटर्न आए तो आप ट्राई करेंगे। एंड भाई साहब मेरा हेलमेट जो है तो इसका ग्लास वो कलर वाला है भाई, तो हम लोगों ने कलर वाला, जब हम लोगों ने हेलमेट को परचेस किया था उस दिन हम लोगों ने कलर वाला ग्लास लगा लिया था, बिकॉज अभी तो धूप इतना डेंजर हो रहा था ना इसके वजह से। बट अभी इवनिंग को राइड करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप में दिख रहा है, सो कोई ना। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं XLRI स्कूल के पास में, एक रोड है लाइक वो, उसमें बहुत जन फोटो डाले, तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि उस जगह पे जाए, बट नहीं हो पा रहा था कुछ कारण से। होता ना गाइस, बहुत जगह आप लोग को जब बुलाया जाता है तभी आप लोग पहुंचते हो, लाइक जब किस्मत में होता है, तो शायद आज हम लोग का वहाँ बुलावे का डेट होगा। तो हम लोग आज जा रहे हैं XLR स्कूल के पास में, तो यहीं से रास्ता है, मेरे को भी इतना अच्छे से पता नहीं था भाई। एक दिन मैं बस से जा रहा था मानगो से कहीं अपने जब गांव जा रहा था जिस दिन, उस बारे में मेरे को पता चला कि यहीं पे वो है, तो चलते हैं। सो हम लोग अभी बना रहे हैं एक स्टोरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम में डालने के लिए, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते जाओ भाई, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, आईडी आपको डिस्प्ले में दिखता होगा, तो फटाफट जाओ और हम इंस्टाग्राम में फॉलो करो। भाई देख रहे हो यहाँ के रोड खतरनाक है भाई साहब, बगल से जा रही है नदी, इस नदी का क्या नाम है आई डोंट नो। और अगर आप लोग मेरे डोबो डैम वाला एक्सप्लोरर वीडियो देखे हो तो आप लोगों को ये रोड जरूर याद होगा, बिकॉज वो दिन मैं अकेले आया था एंड अकेले शूट कर रहा था, तो मैं इस वाले रोड का सिनेमैटिक लिया था, तो आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डोबो डैम वाला, आप लोग जाओ चेक करना, जरूर से चेक करना, क्या बोलते हो ठीक है। और गाइस देख रहे हो पुलिस घूम रही है यहाँ पे खतरनाक टाइप से, एंड अभी हम लोग बताने वाले थे आपको कि यार हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में भाई खतरनाक आंटी लोग जाती है ना, अपनी धुन में जाती है भाई। हम लोग जा रहे थे, गोल चक्कर था, हम लोग स्लो ही थे, इस वो आंटी ना लेफ्ट ना राइट देख के जा रही थी, वो अपने मस्त अपने धुन में सीधा जा रही थी। बताओ यार, कम से कम लेफ्ट राइट देखना चाहिए भाई उनको, बताओ देखना चाहिए कि नहीं। देख लो भाई XUV 300। और भाई साहब मेरी गाड़ी में कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रहा था यार, अभी भी प्रॉब्लम ठीक हो गया, बट पता नहीं कभी कभी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा, फिर से आ जा रहा, कभी स्टार्ट हो जा रहा, कभी फिर से आ जा रहा। जैसे मैं एक्सलेटर दे रहा था तो ये भाई लॉक हो जा रहा था, जैसे मैंने फुल एक्सलेटर दे दिया एंड जब छोड़ रहा हूँ तो भी गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है भाई, ये कहीं फंस रहा था, बट अभी फ्री है। आई थिंक बरसात की वजह से ऐसा होता हो, एंड मैंने गाड़ी को बहुत दिन से वॉश भी नहीं कराया, आज मैं सोचा था वॉश कराने का, बट संडे को लिटरली बता रहा हूँ इतना सारा काम होता है ना। एंड भाई साहब अंकल को देख लो क्या कर रहे, ओ भाई साहब अंकल को देखे यार, उनका एक शायद पैर नहीं था, एंड इसको बोलते हैं भाई स्ट्रगल भाई साहब। देख रहे हो एक भाई वो लाठी से साइकिल को चला रहे थे, सल्यूट है भाई अंकल को। अगर आप में जुनून है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी, जैसे वो अंकल में। सो मैं बोल रहा था कि हाँ गाइस, मैं गाड़ी को बहुत से वॉश भी नहीं कराया हूँ, तो आई थिंक इसकी वजह से प्रॉब्लम आता हो, आई डोंट नो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं XLRI स्कूल के पास, एंड इसी गली का मैं बात कर रहा था आपको, मेरे को भी पता नहीं था ये गली यहाँ पे भाई, मैं एक दिन बस से जा रहा था तब मेरे को दिखा था, एंड देख लो भाई कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। एंड अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे प्रोसेसिंग में, और आई थिंक हम लोग को सर जल्दी आना चाहिए था, हम लोग प्लान भी करते थे थोड़ा जल्दी आने का, बट इवनिंग हो गई हम लोग को, एंड जैसे मानसून का मौसम आ चुका है तो इसकी वजह से भी बादल बादल से कर दिया, एंड अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया। देख लो भाई कुछ ऐसा व्यू है, आपको आगे भी लेके चलेंगे, एंड ये पता नहीं किसी का टावर है खड़ा हुआ यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम लोग घर से कितने बजे निकले थे पता नहीं, यानी अभी 5 ऑलमोस्ट 4 बजे हम लोग का एक घंटा यहाँ लग गया आते 5:02 हो रहा अभी तो। सो गाइस फाइनली एक घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी XLRI के इस वाले लोकेशन पे, देख लो
और मैं भी इस लोकेशन में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं एक दिन बस से जा रहा था, कहीं पे ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को ये लोकेशन दिखा था। एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट में देखा था ये लोकेशन, बट मैं फाइंड नहीं कर पा रहा था ये लोकेशन कहाँ पे है, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आया नहीं था। एंड आज फाइनली इस लोकेशन पे आ गए। एंड देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है अभी देखने में। एंड ये पिंपल को आप लोग इग्नोर करो, पता नहीं भाई ये रातों रात पिंपल कहाँ से आ जाता है फेस में। एंड काफ़ी अच्छे से वाइब आ रही है यहाँ पे आके, रोशनी भी थोड़ा बहुत आ ही रहा है, अभी से धूप चली गया था सनलाइट। एंड अभी फिर से बादल हट चुका है, एंड अभी सूरज आ चुका है भाई, देख लो लाइट आ रहा फिर से। देन हम लोग अभी यहाँ पे बहुत सारे फोटो क्लिक करने वाले हैं, वो सब फोटो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा। एंड पीछे देखो पे, देख लो कितना शांत लड़का है भाई, बहुत शरीफ लड़का है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटो एंड रील्स वीडियो क्लिक करेंगे, एंड अपनी रेड बुल का भी बहुत प्यारे प्यारे रील्स बनाएंगे। सो वो सारे चेक करने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, आप लोगों को डिस्प्ले में शो होता होगा आईडी, तो फॉलो करो, फिर थोड़ी देर के बाद मिलते चलो। एंड गाइस मैंने अभी पीछे जो लौंडा देख रहे हो, इसकी बहुत सारा फोटो क्लिक किया, एंड कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है। एंड अभी मैं अपनी फोटो क्लिक करने वाला हूँ, एंड रेड बुल का सिनेमेटिक अभी मैं बनाने वाला हूँ, तो आप लोग सिनेमेटिक चेक करो भाई के। एंड अच्छा लगे तो एक गुलाबी हाथ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एंड तुम स्मार्ट, पैदा से ही स्मार्ट है ब्रो, अपन पैदा से स्मार्ट है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो आप लोग सिनेमेटिक चेक करो, एंड लेट्स सी फिर मिलते हैं आप लोग से। चलो तब लोग सिनेमेटिक ये रेड बुल का चेक करो। कैसा तेरा प्यार और कैसी तेरी दिल लगी, दिल मेरा तोड़ के भी नीयत तेरी ना भरी। मैं तो था तेरा पर तू मेरी ना हो सकी, अब मेरे लफ्जों पे तेरा जिक्र होगा नहीं। कैसा तेरा प्यार और कैसी तेरी दिल लगी, दिल मेरा तोड़ के भी नीयत तेरी ना भरी। मैं तो था तेरा पर तू मेरी ना हो सकी, अब मेरे लफ्जों पे तेरा जिक्र होगा नहीं। कहना है बात लेके चलूं तुझे बीते इन कुछ सालों में, जहां लाइफ शस थी और उलझा सा रहता मैं दिन रात तेरे ख्यालों में। मेरी आंखें आप लोग यहां पे बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग अभी वेदर देखो भाई, अभी बहुत डेंजर वेदर चल रहा है। हवा देखो भाई, बहुत तेज हवा चल रहा है, पीछे डांसर डांस कर रहा है। बहुत खराब मौसम हो रहा था, अभी हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं। एंड हेयर सबको देखो कैसे ऑटोमेटिक डांस कर रहा है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, चलो तब तक के लिए बाय बाय। कैसा तेरा प्यार और कैसी तेरी दिल लगी, दिल मेरा तोड़ के भी नीयत तेरी ना।